वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है टुडे देयर फीलिंग्स फॉर यू। ठीक है, आज के दिन की आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या रहेंगी आपके लिए, आपके पर्सन आज के दिन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या फीलिंग्स हैं, क्या थॉट्स हैं, क्या एक्शन ले रहे हैं, वो कोई आपके लिए आज के दिन लेट्स सी चेक करते हैं। ठीक है, कि आज के दिन की आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, वो क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने है आप रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। टुडे देयर फीलिंग्स फॉर यू। ओके, आपके पार्टनर की आज के दिन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, आपके पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं आज। मेडिटेट करें अपने पार्टनर को और देखते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। मेरे व्यूवर के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की फीलिंग्स आज के दिन वो क्या फील कर रहे हैं, मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या फीलिंग्स हैं आपके पर्सन के आपको लेकर। टू ऑफ कप्स, ये पर्सन मिस कर रहा है। ठीक है, ये वेट कर रहा है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप कनेक्ट करेंगे। ठीक है, टू ऑफ कप्स एंड टू ऑफ वैंड्स, इंतजार है इस पर्सन को। और यहाँ पे लवर का कार्ड है, बहुत आप लोगों का कनेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है और ओल्ड कनेक्शन है। ठीक है, एक ओल्ड कनेक्शन है, शायद अनकन्फेस्ड है लव इस पर्सन की तरफ से हो सकता है, इसे शायद कन्फेस नहीं करा आपको लव। कोई डिफरेंसेस हो सकते हैं जिसकी वजह से आप लोग के बीच ये लव कन्फेस नहीं हुआ, लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं आपका इंतजार कर रहा है, वेट कर रहा है आपके पार्टनर की फीलिंग्स। स्कॉर्पियो हो सकता है स्ट्रांगली ये पर्सन। ठीक है, या यहाँ पे वाटर साइन स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, जेमिनाई भी है और स्कॉर्पियो भी है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। ठीक है, आप इन तीनों साइंस को इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, मतलब कि एक परसेप्शन बदल रहे हैं इस कनेक्शन को देखने का, लेकिन आप लोग के बीच कोई ना कोई डिफरेंसेस हैं, लेकिन एक मिसिंग एनर्जी है। ठीक है, आप इस पर्सन को जैसे कि कंप्लीट करते हैं, ये पर्सन इस वक्त ये सोच रहा है इस रिश्ते को लेकर, इस पर्सन के माइंड में ये सब कुछ है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, इमोशनली साइलेंट है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा। ठीक है, इस पर्सन को नहीं पता इसको एक्शन तो लेना है, बात करने के लिए आपकी तरफ कनेक्ट करना चाहता है, एक्शन लेना चाहता है, लेकिन क्या एक्शन लेना चाहिए, किस तरीके से बातें स्टार्ट करनी चाहिए, आपको क्या बोलना चाहिए, मतलब कि कम्युनिकेशन आप लोग की ब्लॉक नज़र आ रही है, होल्ड बैक कर रहा है पर्सन अपने इमोशंस, कम्युनिकेशन आप लोग की नहीं है। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, बहुत कुछ फील कर रहा है, जो कुछ फील कर रहा है वो आपसे डिस्कस करना चाह रहा है, वो आपसे बताना चाह रहा है। ठीक है, साइलेंट है, आप भी साइलेंट है, खामोशी, आप लोग के बीच बातें नहीं चल रही। ठीक है, आज के दिन ये पर्सन आपको मिस करने वाला है। आप लोग हायर लेवल ऑफ सोलमेट हैं, हायर लेवल आपका कोई सोलमेट का कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा कनेक्शन आप लोगों का, मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन, टेलीपैथिक कनेक्टेड हैं आप लोग एक दूसरे से। मिसिंग एनर्जी है बहुत ज़्यादा, आप भी साइलेंट हुए हैं, ये पर्सन भी साइलेंट है। ये पर्सन आपके लिए बेहद लव फील कर रहा है और परसेप्शन इस पर्सन का बदल रहा है, इस रिश्ते को देखने का, आपको देखने का सोच नज़र बदल रही है। और मिसिंग एनर्जी बहुत है, दिमाग में बहुत सारी बातें, इस पर्सन के अंदर बहुत कुछ चल रहा है, जो ये आपसे डिस्कस करना चाहता है, जो ये आपसे बात करना चाहता है। ठीक है, यहाँ पे ये पर्सन इस वक्त आपको मिस कर रहा है, इस पर्सन ने शायद आपको ब्लॉक किया, इस पर्सन ने खुद आपको अपने आप से दूर करा, थोड़ा सा मेंटली स्टक है, मेंटली ब्लॉक है, अपनी गलती को रियलाइज कर रहा है, समझ में आ रही है, लेकिन वेट कर रहा है, वेटिंग एनर्जी पे, हर्मिट की एनर्जी है, बहुत कुछ समझ में आ रहा है, खामोश रहकर, साइलेंट रहकर, आप भी ज़रा खूब, आप भी चुप हुए हैं, आपने भी एक साइलेंट चीज़ों को आपने एक्सेप्ट किया, आप साइलेंट ट्रीटमेंट आप इस पर्सन का देख रहे हैं, आप भी खामोश हुए हैं, लेकिन आप भी देख रहे हैं कि क्या चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, थोड़ा सा रियलाइजेशन का फेस है, मिसिंग एनर्जी है और लव करता है, चाहे कन्फेस करा या नहीं करा है, इमोशंस बहुत सारे हैं जिनको आपसे डिस्कस करना चाह रहा है, मिसिंग एनर्जी, आप साइलेंट हैं। ठीक है, बात नहीं कर रहे आप, इस पर्सन ने बातें ख़त्म करी हैं। ठीक है, अब वेट भी ये खुद ही कर रहा है, क्योंकि एक अकेलेपन से गुजर रहा है, एक अकेलापन, एक खामोशी, अपने ही अंदर कुछ ना कुछ फील कर रहा है। ठीक है, आप होल्ड बैक कर रहे हैं, आपने खुद को बहुत स्ट्रांगली अपने इमोशंस को होल्ड बैक कर लिया है, अपने एक्शंस को होल्ड बैक कर लिया है, अपने पैशन को होल्ड बैक कर लिया है, क्योंकि आपका माइंड बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड है, आपको नहीं समझ में आ रहा आपको करना क्या चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा जैसे
आप लोगों के बीच बहुत आर्ग्यूमेंट हुई है, आप लोग के बीच आपने बहुत बार इस पर्सन को समझाने की कोशिश करी है, कन्विंस करने की कोशिश करी है, आपने लड़कर भी समझाया, आपने खामोशी भी दिखाई, आपने हर तरीके से समझाया। अब आपको ऐसा लग रहा है अब आपको कोई एक्ट करना ही नहीं चाहिए, कोई एक्शन लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इस पर्सन का ईगो बहुत है, बहुत है ईगोस्टिक पर्सन है। आपको लगता है ये ईगो की वजह से इस रिश्ते को डिस्टर्ब कर रहा है, इस रिश्ते को ये पर्सन खराब कर रहा है। आपके पास काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी है कि ये पर्सन एक ईगोस्टिक पर्सन है। अब आप इससे ज़्यादा एफर्ट नहीं करना चाह रहे, या आप थक चुके हैं इस पर्सन के ईगो को आप सेटिस्फाई करते करते, ठीक है। आपका ड्रीम है इस पर्सन के साथ 10 ऑफ कप्स, आप 10 ऑफ कप्स देखना चाहते हैं, 10 ऑफ कप्स आप एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं इस पर्सन के साथ, ठीक है। आपके पर्सन मिस कर रहे हैं आपको, आपका वेट कर रहे हैं, मेंटली कॉन्फ्लिक्टेड हैं। आपके पर्सन ने ही यहाँ पे कुछ किया है, ठीक है, जिसकी वजह से अब आप बात नहीं कर रहे इस पर्सन से। लास्ट टाइम कम्युनिकेशन थी, जो चीज़ें आप लोगों की डिस्टर्ब हुई या ख़राब हुई, आप लोगों की बातचीत करना बंद हुई, वो इस पर्सन की वजह से हुई है। ये पर्सन कुछ बदलना चाह रहा है इस रिश्ते में, ठीक है, ये पर्सन कुछ चेंज करना चाह रहा है, अपनी गलती को अंडरस्टैंड कर रहा है। साइलेंट होके अकेला बैठा हुआ है, किसी से कनेक्ट नहीं कर रहा, किसी से बात नहीं कर रहा, मिस कर रहा है। आप लोग के बीच डिफरेंसेस जितने भी हैं, ये पर्सन उन डिफरेंसेस को पास में बहुत ज़्यादा वैल्यू करता था, ठीक है। ईगोस्टिक पर्सन है, आपसे हमेशा भागता रहा है, लव फील कर रहा है, ठीक है। आपके लिए स्टेबिलिटी, कुछ स्टेबिलिटी के लिए करना चाहता है। आप इस पर्सन से केयर फ्री होते जा रहे हैं, जैसे कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन से जैसे आज़ाद हो चुके हैं, आपने अपने आप को केयर फ्री कर लिया है, आप इस पर्सन के सोचों में स्टक नहीं रहना चाहते। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये अकेला रह गया है, इस पर्सन ने सही टाइम पे कोई डिसीजन मेकिंग नहीं करी, अभी भी सही टाइम है। शायद अब आपने बोलना बंद कर दिया है, ठीक है, अब आपने ऑफर करना बंद कर दिया, अब आपने इस पर्सन के साथ बार बार कनेक्ट होना, इसको कन्विंस करना, इसको समझाना, फाइट करना, इससे इसको टेक्सटिंग करना, कॉल करना, मतलब कि आप थोड़े से डिस्टेंस, आपकी तरफ से डिस्टेंस नज़र आ रहा है, आप होल्ड बैक करना सीख चुके हैं, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है होल्ड बैक करने से और कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है। आपके पास क्लैरिटी है, आपको लगता है इस पर्सन के पास क्लैरिटी नहीं है, ये पर्सन इन एंड आउट करता है, कभी भी कुछ क्लियर कट थॉट नहीं लेकर आता, कोई डिसीजन लेकर नहीं आता, इसको अपनी सोच समझ बदलने की ज़रूरत है, ठीक है। आपके पर्सन को आप होल्ड बैक कर रहे हैं, आप बात ही नहीं कर रहे, ठीक है, ये पर्सन भी होल्ड बैक कर रहा है, बात नहीं कर रहा, लेकिन आप दोनों ही चेंज करना चाह रहे हैं, आप भी बात करना चाह रहे हैं, पर्सन भी बात करना चाह रहा है, ठीक है। ये पर्सन भी कनेक्ट होना चाहता है और आप भी कनेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद अब चीज़ें एंड हो चुकी हैं, ऑब्सेस्ड है आपकी एनर्जी से। कुछ थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन, कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसी इंटरफेरेंस हुई थी जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप डिस्टर्ब हुआ था, कोई ना कोई थर्ड सिचुएशन आई थी, एक टॉक्सिसिटी एंड हो रही है आपके रिलेशनशिप की, ठीक है। आपके रिलेशनशिप का एक टाइम, एक वक्त बदल रहा है, कुछ चेंज आ रहा है आपके रिलेशनशिप में। अगर एक पास्ट में बैलेंस जो नहीं था, वो बैलेंस दोबारा कायम हो रहा है, दोबारा बैलेंस आ रहा है, ठीक है। ये रिश्ता एक बैलेंस सिचुएशन की तरफ है, आप कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं, आपको नहीं पता इस रिश्ते में फ्यूचर क्या होने वाला है। जैसे आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि एंड हो चुका है ये रिलेशनशिप, आपको भी एक कन्फ्यूजन है, आपको पास कोई क्लैरिटी नहीं है कि इस रिश्ते में क्या हो सकता है, ठीक है। लेकिन आप चाहते हैं एक्सपेंशन, चाहते हैं आप चाहते हैं चीज़ें चीज़ें आगे बढ़ें, चीज़ें एक एक्सपेंशन की तरफ जाएं, चीज़ों को पॉजिटिविटी, एक चीज़ों में क्लैरिटी है, विश फुलफिलमेंट काइंड एनर्जी है, बहुत डीप डाउन एक अजीब सी जैसे बेचैनी है, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। वजह यह है इस बेचैनी की, अपनी लाइफ की कन्फ्यूजन से, जो इस रिश्ते में जो कन्फ्यूजन ने जो इस रिश्ते ने जो कन्फ्यूजन आपके अंदर क्रिएट कर दी है ना, आप उस चीज़ से निकलना चाह रहे हैं, ठीक है। कम आउट की तरफ मूव करना चाह रहे हैं, आप पीसफुल रेजोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, ठीक है। एक वेटिंग गेम चल रहा है, स्टक है वही सिचुएशन, आपको लगा था कि अब आप आगे बढ़ जाएं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आप मेंटली स्टक हैं। आप बज़ाहिरी बहुत ज़्यादा अपने आप को स्टेबल बड़ा काम दिखा रहे हैं, लेकिन आप डीप डाउन बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं इस पर्सन के लिए। आज भी इस पर्सन के लिए आप लव फील करते हैं, एक सोलमेट काइंड लव है आपका इस पर्सन के साथ, ठीक है, कुछ सोलमेट काइंड एनर्जी है। ये पर्सन आपको लव करता है, कनेक्ट रहता है आपसे, ठीक है, बताए या ना बताए। इस रिश्ते में टीम वर्क नहीं हुआ है, कन्फ्यूजन ज़्यादा रही है, एक पर्सन बेहद कन्फ्यूज रहा है, उसने सामने वाले को भी कन्फ्यूज ही रखा है, ठीक है। कन्फ्यूजन की वजह से ये पर्सन इस रिश्ते से भागता रहा है, ठीक है, ये टिका नहीं है इस रिश्ते में, भागता रहा है। इस पर्सन ये चाहता तो इस रिश्ते में टिक सकता था, ठीक है। आपकी आपके पार्टनर की एनर्जी आज भी कुछ ऐसे ही है, ठीक है, कि आपके पर्सन समझ नहीं पा रहे आपके पर्सन को करना क्या चाहिए, वेट कर रहे हैं।
और आपको आपको जैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं से देख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, आपकी एनर्जी को समझना चाह रहे हैं, और आपकी एनर्जी बस यही है कि आप कुछ करना नहीं चाह रहे, आप अपनी एनर्जी में ही, पर्सन आपको देख रहा है कि आप बड़े एक काम और एक बहुत ज़्यादा आपके अंदर एक काम और एक पीस आ चुका है, ठीक है। आप जो पहले एनर्जी आपकी बार बार एक्शन लेती थी ना, आप जो एक एक बूस्ट रहता था आपके अंदर, एक न्यू बिगनिंग करनी है, एक न्यू स्टार्ट करना है, वो वाली एनर्जी नहीं है आपकी, ठीक है। आप अपनी लाइफ में कुछ फेजेस को एंड कर रहे हैं अपने बैलेंस के लिए, अगर ये पर्सन बैलेंस देता है तो वेल एंड गुड, वरना आप अपनी लाइफ की कन्फ्यूजन से निकलना चाहते हैं, ठीक है। कन्फ्यूज ये स्नेकी बिहेवियर करता है, ये क्लैरिटी नहीं रख देता, आपको ऐसा लगता है ये पर्सन आपसे झूठ बोलता है, कुछ ना कुछ हाइड करता है, इसलिए आप इस सिचुएशन से निकल रहे हैं। जब भी पर्सन कनेक्ट होता है, पेजेस की एनर्जी में कनेक्ट होता है, खुलकर बात नहीं करता, इसके दिल दिमाग में बहुत कुछ है, बात ये खुलकर करना चाहता है लेकिन कर ही नहीं पाता, ये मिसिंग एनर्जी है। यहाँ पर ये पर्सन अपनी इंट्यूशन की भी सुन रहा है और बेहद मिस कर रहा है आपको, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ पर देखते हैं आपके पर्सन, डोर टू पर्सन हीलिंग एंड हैप्पीनेस, ये पर्सन हीलिंग करना चाहता है इस कनेक्शन की, ठीक है। आपके पार्टनर चाहते हैं आप हील करना इस रिश्ते को। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जितना प्यार आपने दिया ना इस कनेक्शन में, इस पर्सन को कभी भी इस पर्सन ने इतना एक्सपीरियंस ही नहीं करा। डोर टू रोमांस, एक न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, एंजल ऑफ लव, विक्ट्री, ये पर्सन एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है, विक्ट्री चाहता है, सक्सेस चाहता है। मैजिशियन एंड द मिरर, ये पर्सन एक मैजिशियन, एक मतलब के ये पर्सन सब चीज़ों को जो है ना मैनिफेस्ट करना चाह रहा है, और एक मैजिशियन की तरह बना हुआ है, कुछ क्रिएट करना चाह रहा है, न्यू, यिंग और यंग, मैंने कहा ना मैस्कुलाइन फेमिनिन, यहाँ पर आप लोग का कोई हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है। एक रनर चेजर का गेम था यहाँ पर, आपके पर्सन जैसे आज के दिन बेहद मिस कर रहे हैं आपको, फील कर रहे हैं इतने डिफरेंसेस होने के बावजूद, फिर भी एक मिसिंग एनर्जी है, ये पर्सन एक जैसे खुलकर आपसे बातें करना चाह रहा है, मिसिंग एनर्जी बहुत है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड है, फील कर रहा है कि काश आप आ जाएं। यिंग यंग एनर्जी, आप लोग का कोई जैसे आप लोग एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, ऑल टाइड अप, आप थक चुके हैं, ठीक है। और इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है, रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है, यहाँ पे यिंग यंग की एनर्जी है, एक आप लोग के रिलेशनशिप में बैलेंस आना ज़रूरी था, जितना आप कर रहे थे उतना इस पर्सन को भी एफर्ट करनी चाहिए, बस ये पर्सन ये बात समझ नहीं पा रहा। यहाँ पे आपको एंजल्स यहाँ पर आपको जो है ना सपोर्ट कर रहे हैं, इस पर्सन की लाइफ में कोई फाइनेंशियल और फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन ये पर्सन इस रिलेशनशिप में कोई न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, न्यू जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके पर्सन किसी न्यू जर्नी की तरफ आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ न्यू बिगनिंग, कुछ न्यू स्टार्ट इस रिलेशनशिप में लेकर आना चाहते हैं, ठीक है। एक बैलेंस आपके रिलेशनशिप में आएगा, कुछ न्यू आप लोगों के बीच स्टार्ट हो सकता है, आप लोग की कम्युनिटी डिफरेंसेस हो सकते हैं, कास्ट कल्चर डिफरेंसेस, कोई ना कोई कम्युनिटी डिफरेंसेस, इस पर्सन का थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, ठीक है। ये पर्सन खुलकर बात नहीं कर पा रहा आपसे, इस पर्सन का थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजी वाला पर्सन है, कॉर्नोकॉपिया। क्लैरिटी है, ये अच्छा रिश्ता है, क्लैरिटी है, ये रिश्ता खुशियाँ दे सकता है, सब पता है, लेकिन एक्शन, वो जो एक्शन लेने वाली बात जब आ जाती है ना, वो जनाब से एक्शन नहीं लिया जाता, ठीक है। डोर टू वैल्यू, मिस कर रहा है, याद कर रहा है, रियलाइज कर रहा है आपकी वर्थ, ये पर्सन जानता है जितने आप सपोर्टिव रहे हैं, आज तक इस पर्सन ने अपनी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन एक्सपीरियंस नहीं करा जितना सपोर्ट आपने किया, मेंटली, फाइनेंशली, इमोशनली, जैसी भी सपोर्ट चाहिए थी आपने प्रोवाइड करी, चाहे इस पर्सन ने ना दी हो, ठीक है। आप जो है ना गिव अप कर रहे हैं, ठीक है, इस रिश्ते पे, आज के दिन आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप गिव अप कर रहे हैं, कंप्लीटली ऑलमोस्ट आपने गिव अप कर दिया इस रिश्ते पे, कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये फीलिंग्स है। आज के दिन ये पर्सन जैसे आपको एक अपनी लाइफ का जो मिसिंग पजल है ना, उस तरीके से देख रहा है, बहुत ज़्यादा एक मिसिंग एनर्जी है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है अगर इसने आपको मिस कर दिया ना इस बार, शायद ये वापस अपने आप को कभी कंप्लीट ही ना कर पाए, ठीक है। वो एक जिसके अंदर जो एक खालीपन है ना, जो एम्पटीनेस है, वो नहीं फुलफिल हो सकेगी कभी, ठीक है। ये पर्सन जब भी आपके साथ कनेक्ट होता है बहुत खुश होता है, एक डिफरेंस फील कर रहा है, परसेप्शन इसका बदल रहा है कि जब आप नहीं होते इसकी लाइफ का क्या क्या रहता है, इसकी लाइफ में, इसकी ज़िंदगी में कितनी खुशियाँ जो इसके साथ देती हैं, कितना ये खुश रह पाता है आपके ना होने से। केयरिंग कनेक्शन, पेशेंस, आपके अंदर बहुत ज़्यादा केयर आपने की है, बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा है, आपके अंदर सब्र रहा है, ठीक है। आप लोगों के बीच एक अच्छा कनेक्शन था, ठीक है, अगर ये पर्सन निभाता तो ये बहुत बेहतरीन कनेक्शन था। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, करता है, आप भी ओवर थिंक करें, ठीक है। आप दोनों ही बहुत ज़्यादा सोचते हैं इस रिश्ते को लेकर, शायद बोलते कम हैं, कहते कम हैं, क्योंकि हार्ट ब्रेक बहुत है, इनडिसाइसिव एनर्जी बहुत है, किसी ने खुलकर डिसाइड नहीं करा, किसी
किसी ने मेच्योरिटी से यहाँ पर एक्शन नहीं लिए, किसी की तरफ से इन एंड आउट बहुत ज़्यादा रहा कि कोई कनेक्ट होता है फिर डिसकनेक्ट हो जाता है, वॉकिंग अवे, कोई इस रिश्ते को छोड़ कर गया, ठीक है, अटैचमेंट्स थी यहाँ पर इमोशनली। लेकिन अब ये रिश्ता एक जैसे एक हद, ये जैसे कुछ कंप्लीट हो रहा है। अब अगर वो मुकम्मल तौर पे एक एंड हो गया, एक फुल स्टॉप लग गया, तो शायद ये कभी ना बन सके। इस पर्सन को कुछ इस तरीके की एनर्जी से, देखिए इसका परसेप्शन चेंज हो रहा है, ठीक है, ये परसेप्शन बदल रहा है, ये आपके लिए केयर फील कर रहा है, लव फील कर रहा है, एफर्ट करना चाहता है इस रिश्ते के लिए, ठीक है। आज के दिन ये पर्सन ये सोच रहा है, थिंकिंग, बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहा है, आपके लिए लव और केयर फील कर रहा है, परसेप्शन, इस पर्सन का परसेप्शन बदल रहा है। आप दोनों एक दूसरे से डिस्टेंस पे हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा इल्यूजन्स लेकर बैठे हुए हैं, जबकि डिवाइन यहाँ पर भरपूर कोशिश कर रहा है, पुश कर रहा है कि यहाँ पर खुशियों को आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। दोनों की स्ट्रेटजी, जो स्ट्रॉन्ग वार्निंग, कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग आया आप लोग के रिलेशनशिप में, क्योंकि एक पर्सन इनडिसाइजिव एनर्जी में था, डिसाइड नहीं कर पा रहा था, ठीक है, कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा था, जो स्ट्रॉन्ग आया वो इस वजह से आया, स्ट्रेटजी बनाना, बार बार माइंड गेम्स खेलना, खुशियाँ दोनों को चाहिए, दोनों इस रिश्ते में खुश रहते हैं। टेम्पल पाथ, यूनिवर्स आप लोग को पुश कर रहा है इस रिश्ते के बारे में सोचें, आप भी सोच रहे हैं इस पर्सन का, आपके इस पर्सन की जो है ना आपके लिए सोच बदल रही है, बहुत ज़्यादा केयर कर रहा है, एफर्ट करना चाहता है, पता नहीं अब आपको मनाना चाहता है, शायद ही आपको मनाए अब, ठीक है, अब आपकी तरफ आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, अब पोजेसिव हो रहा है, अब इसको लग रहा है कि शायद अब अगर अब इस बार आप लोग का डिस्कनेक्ट हुआ ना, शायद उसके बाद फिर दोबारा आप लोग कनेक्ट नहीं हो सकते। ये पर्सन आपकी पिक्चर्स देखता है कहीं ना कहीं, ठीक है, आप खोए खोए से हैं, शायद अब आप वैसे याद भी नहीं कर रहे इस पर्सन को, पिक्चर्स भी नहीं देख रहे, मिस भी नहीं कर रहे, लेकिन कहीं आप कहीं कुछ है जिससे कनेक्टेड है आपका, ठीक है, आपने आपने सेल्फ पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, इस पर्सन का अट्रैक्शन, पैशन बेहद बढ़ रहा है आपकी तरफ, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहे हैं और आप थिंकिंग तो कर रहे हैं, खोए खोए से हैं आप, ठीक है, ये पर्सन आपको, आपके लिए लव केयर, इस पर्सन का परसेप्शन आपको देखने का बदल रहा है, ये आपके लिए बेहद केयर फील कर रहा है, जिस तरीके से आपको अब देख रहा है ना, जिस तरीके से आपकी वैल्यू कर रहा है, इसने पहले नहीं करी। बहुत इंटेंस एनर्जी आज के दिन आपके पर्सन की, मिसिंग एनर्जी भी बहुत है और रिग्रेट भी है, लॉस भी है, आपके ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है, आपके साथ होता है तो कितना एक हैप्पी मोमेंट होता है, ये पर्सन कितना खुश रहता है, आप लोग का कोई एक एक एक, एक ये बहुत ज़्यादा स्पेशल कनेक्शन है, डिवाइनली गाइडेड है, कुछ ना कुछ आप लोग का कनेक्टेड है, आप लोग कनेक्ट ना होते भी एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, और ये पर्सन कुछ ना कुछ टेलीपैथिकली आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप बिल्कुल जैसे आउट ऑफ द वर्ल्ड, आप खोए खोए से हैं, इसकी यादों में नहीं खोए हुए, आपके अंदर कुछ है जो चल रहा है, जैसे कि कुछ खालीपन है, या कुछ आप खालीपन भी नहीं कहो तो कुछ मतलब कि जो ये जो जो खुशी आपको इसके होने से होती है वो खुशी नहीं है, शायद आप उस खुशी के बारे में सोच रहे हैं। ये पर्सन, इस पर्सन की सोच आपको लेकर बदल रही है, इसका परसेप्शन, देखने का, सोचने का तरीका बदल रहा है, ये अब आपको मनाना चाहता है, ठीक है, यहाँ पे ये पर्सन एफर्ट कर सकता है आपको मनाने के लिए, कुछ आपके लिए करना चाहता है, ठीक है, आपको मनाना चाहता है, आपको एफर्ट करना चाहता है, आपको अपनी लाइफ में वापस लेकर आना चाहता है, ठीक है, डीप डाउन बेहद सोच रहा है, मैसेज करने के बारे में सोच रहा है, आप बहुत ज़्यादा स्टेबल ग्राउंडेड लग रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा एक मजबूत इंसान, एक मजबूत पर्सनालिटी की तरह नज़र आ रहे हैं आज के दिन, ये पर्सन मतलब कि आप स्टेबिलिटी पे वर्क कर रहे हैं, आपका फोकस इस रिलेशनशिप पे नहीं है, आप लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं, ठीक है, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आप अपने आप को हील कर रहे हैं, इस सिचुएशन से बिल्कुल फ्री हो रहे हैं, अपने आपको स्टकनेस से बाहर निकाल रहे हैं, आप काफ़ी टाइम से स्टक थे, हार्ट ब्रोकन थे, आपको हीलिंग की नीड थी, आप बहुत अरसे बाद, सालों बाद केयर फ्री हुए हैं इस बर्डन सम एनर्जी से, इस हार्ट ब्रोकन एनर्जी से, आपने खुद को बहुत टाइम बाद निकाला है, आपने इस पर्सन के पीछे भागना बहुत अरसे बाद छोड़ा है, ठीक है, मतलब कि ये पर्सन ये सब कुछ सोच रहा है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।